दोस्तों क्या आप जानते हैं सिंगापुर में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए वे कीट पतंग खाने वाले पौधों को स्मार्टफोन से नियंत्रित कर रहे हैं। वैज्ञानिक स्मार्टफोन से इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए वीनस फ्लाइंग क्रैब को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता लुई फेई बताती हैं कि स्मार्टफोन में एक ऐप से पौधे पर लगाए गए छोटे से इलेक्ट्रोड तक सिग्नल भेजा जाता है। सिग्नल मिलते ही पौधा अपनी पत्तियां वैसे ही बंद कर लेता है जैसे यह कीट पतंगों को खाने के लिए करता है। यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कूल में काम करने वाली लुई फेई बताती हैं, पौधे भी इंसानों की तरह ही होते हैं। जैसे हमारे हृदय से ईसीजी निकलते हैं, वैसे ही बेबी इलेक्ट्रिक सिग्नलों को भेजते हैं। हमने एक तकनीक इजाद की है जो इन सिग्नलों को पकड़ सकती है। यह तकनीक पौधों की सतह से ही इलेक्ट्रिक सिग्नल पढ़ लेती है। पौधे बेचने और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन कराने वाली कंपनी एसजी वीनस फ्लाइंग ट्रैप के संस्थापक डेरेन इंग कहते हैं, अगर पौधे हमसे बात कर पाए तो शायद उन्हें उगाना आसान हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है? अगर लगता है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।